Hello students, welcome back once again to your online video classes also. So today is 15th of June and we are back with the new class of Standard 12 Mathematics and the name of the chapter is Integration. ठीक है बच्चों, so आज का जो topic होने वाला है that is your integration by trigonometric substitution. तो ये वाला class में, ये वाला lecture में हम discuss करने वाले हैं कि trigonometric identities को use करके, substitute करके कैसे हम integration करेंगे अलग अलग functions का. तो बहुत ही important वाला ये class होने वाला है. अभी तक अगर आप लोग lecture 1 and lecture 2 नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन है, पहले आप लोग जाके, मैं प्रीफर करूंगा क्योंकि अगर 1-2 आप लोग क्लियर नहीं हो तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि सब कुछ बेस हो रहा है 1 और 2 से. तो सब्स्टिट्यूशन 2 में था, 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन पढ़ा था. सब कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, फिर 3 में आके लेक्चर को देखेंगे. और ये लेक्चर बहुत लेंदी होने वाला है, आई होप कि 1.5 आवर का होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि हम 20-25 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को लेके वहाँ पे कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करें उसके बारे में जानने वाले हैं. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास को और पेन और कॉपी पकड़ के बैठेंगे. और जितना क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ अलग अलग, सबका यूनिक क्वेश्चन है, सब अलग अलग यूनिक क्वेश्चन आप लोग अगर करोगे तो चाहे वो एनसीईआरटी से हो चाहे वो अदर बुक से हो, आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो. बट पूरा कॉन्सेंट्रेटली आप लोग को क्लास को अटेंड करना है पूरा लास्ट तक. और अगर आप लोग नए हो चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे मेरा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि हर दिन का क्लासेस चल रहा है. जितना जल्दी हो सके हम 10 एंड 12 का कोर्स को प्रोसीड कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी कंप्लीट हो तो आप लोग को रिविजन के लिए उतना अच्छा से टाइम मिल जाएगा. ठीक है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो. जितना हो सके आप लोगों के जितने भी नीडी फ्रेंड है जिनको कि मतलब पढ़ाई अभी हैम्पर हो रहा है पैंडेमिक के सिचुएशन में, वो लोग भी जाके कवर करें क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों का नहीं रहे और आप लोग बहुत अच्छे से एनसीईआरटी या फिर अदर बुक का क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हो. ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी नया देख रहे हो लेक्चर नंबर 3 तो मैं सजेस्ट करूँगा और एक बार 1-2 को देखो, अच्छे से टाइम दो, फिर यहाँ पे आओ. और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हमने यूज किया है तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को पहले समझना पड़ेगा. अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में अभी तक क्लियर नहीं हो 11th क्लास का तो फिर से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है. लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स में मैंने पूरा डिटेल में डिफाइन कर दिया था जो हमारा टोटल 50 या 60 का आइडेंटिटीज था ट्रिगोनोमेट्री का. तो पहले उसको क्लियर कर लो, वो बहुत ही हेल्प करने वाला है ये वाला लेक्चर में पूरा आपको कवर करने के लिए. ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेंदी होने वाला है, पेन कॉपी बैठेंगे पूरा अच्छे से करेंगे. एक बार 20 एग्जाम्पल्स हो जाएगा फिर एनसीईआरटी का बुक का एग्जाम. अगर ये वाला 20 आप लोग कर दे रहे हो, एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, अगर ये वाला आप लोग कर दे रहे हो 22 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी हो बाहर का हो कुछ भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बट प्रैक्टिस का जरूरत है. तो पहले ये 20 करेंगे फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 का पूरा अच्छे से करेंगे, फिर जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको करेंगे. तो टोटल 50-60 क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो तो आसानी से आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से और प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर बच्चों. सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है बच्चों, तो आज के जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है जिसमें कि हम इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक अभी चल रहा है, पास में एक टेम्पल है वहाँ पे कीर्तन चल रहा है शाम वाला. ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सुनाई दे रहा होगा. आई होप सबको सुनाई दे रहा है बच्चों मेरा आवाज़, माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन एंड द वीडियो इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल. सो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आप लोगों का इंटीग्रेशन के अंदर. ठीक है, क्योंकि हम अभी जस्ट फाउंडेशन स्टेज में है, मतलब हम अभी सीख रहे हैं इंटीग्रेशन क्या है धीरे धीरे. सो इन द लेक्चर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन. इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था बहुत ही अच्छे से, जिसमें कि हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूलाज क्या होता है, क्या क्या बेसिक फॉर्मूलाज को यूज करके हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिस्कस किया था. फिर लेक्चर नंबर 2 में जब आए हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को कैसे हम इंटीग्रेशन को एक्सपांड करते हैं या फिर उसको सॉल्व करते हैं. वो भी बहुत सा इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें कि हमने लगभग 18 to 20 एग्जाम्पल्स वी हैव डन इन दैट लेक्चर नंबर 2. ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखे नहीं हो बच्चों, सीधा जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पहले जाके उसको कंप्लीट करो. ठीक है, मैं हर दिन वही सेम बात रिपीट करना चाहता हूँ
कि आप लोग अगर लेक्चर को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो एक दिन दो दिन आके लेक्चर को देखने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लासेस चल रहे हैं रेगुलर बेसिस में अल्टरनेट डेज में, तो अगर आप लोगों को कंटिन्यूअसली अच्छे से पूरा स्टडी करना है तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 से ही देखना पड़ेगा। ऐसे मन किया आज लेक्चर नंबर 3 देख लेते हैं, आज मन कर रहा है कल, आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, ऑब्वियसली ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ रिकॉर्डेड है, आप लोग जब चाहो तब देख सकते हो। बट मैं प्रीफर करूंगा एक टाइम आप लोग लगा लो, टाइम टेबल सेट कर दो और उसी के अनुसार आप लोग इसको देखो और आपका पढ़ाई को फ्लो को कंटिन्यू रखो। मैं नहीं चाहता कि एक बार इंडिकेशन को 1, 2, 7.1, 7.2 हमने कर लिया, फिर दो दिन पांच दिन गैप दे दिया, फिर कर लिया, वैसे में फ्लो टूट जाएगा और आप लोगों का करने का भी मन रहेगा। मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को क्यों ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्यों पहले मैं आप लोगों को ये कवर कर रहा हूँ ये छुट्टी में, क्योंकि अगर आप लोग ये वाला कवर नहीं कर रहे हो तो आगे में जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को बाकी चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सब बेसिक्स यहाँ पे है। डिफरेंसिएशन का सब बेसिस चैप्टर नंबर 5 में है और इंटीग्रल्स का सब बेसिस चैप्टर नंबर 7 में है। तो आप लोग अगर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 को ही आप लोग इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग कैलकुलस वाला पार्ट को मिस कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हो जा रहा है ये वाला लेक्चर नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि 70-80% बच्चों का ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा झोल रहता है, ये सुन लो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री टर्म जहां पे भी आ जाएगा मतलब सर ये ट्रिगोनोमेट्री कहां से आ गया, सर क्या करेंगे अभी, ट्रिगोनोमेट्री तो नहीं होता। क्लास 11 का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सभी डिराइवेशन ऑफ आइडेंटिटी जो ही से ही डिराइव हो रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में जब हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था तब हमने बस बेसिक सा चीज पढ़ा था, बट जब हम स्टैंडर्ड 11 में आ गए थे वहां पे वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट नॉलेज हमको करना पड़ा चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि बहुत ही हेल्प करता है आप लोगों को स्टैंडर्ड 12। आप लोगों को पता होगा अभी आप लोग 2-3 चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है तो आप लोगों को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। वहाँ पे हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी चल रहा है चैप्टर नंबर 2, आप लोगों को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री अगर आप लोग क्लियर नहीं हो इसलिए इनवर्स आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए इनवर्स लेक्चर 1 पढ़ाने से पहले मुझे पहले ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ा, ठीक है। और ये वाला आज भी जो हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी आप लोगों को भर भर के ट्रिगोनोमेट्री मतलब आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री वाला टर्म ही सब्स्टिट्यूट करना है, और आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री टर्म क्या है और क्या आइडेंटिटीज है वही भूल गए हो तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, पूरा नील हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को जानने से पहले पहले मैंने यहां पे कुछ फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि टाइम आप लोगों का सेव हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दिया हूं ये 8 फॉर्मूला, और ये 8 फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, चाहो मान लो यहाँ पे भी और डिफरेंशिएशन कहाँ पे कर रहे हो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला, जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगा तो ये 8 जो फॉर्मूला है ये बहुत हेल्प करेगा। ऐसे बोलना चाहे तो बहुत सारा फॉर्मूला है बट ये 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सब्स्टिट्यूशन के बेसिस में, ठीक है। तो बच्चों पहले आप लोग तो करोगे क्या, पहले आप लोग इसको लिख लो, मैं जब तक कुछ कुछ बोल रहा हूँ तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो पहले कॉपी में, और नोट्स तो अपडेट करते रहना, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग नोट्स भी कवर नहीं किए हो तो मुझे बताना, हर नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोग को अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। वरना आप लोग अगर लेक्चर से नोट्स बना दे रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट नोट्स बच्चों अपडेट करो, क्योंकि नोट्स जब तक आप लोग अपडेट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। अभी मान लो अभी आप लोग समझ जा रहे हो बट एट द टाइम ऑफ रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ गया मेरा नोट्स नहीं है, मेरा ये नहीं है, तब क्या करोगे, दोस्त को मांगोगे दे तेरा थोड़ा नोट्स दे मैं लिखता हूँ, उसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, स्कूल भी नहीं खुला है अभी तक, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो टाइम कहीं ना कहीं मिल रहा है आप लोगों को एज कम्पेयर टू स्कूल जब जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए अभी टाइम को यूटिलाइज करो, नोट्स को अपडेट करो, नोट्स को अपडेट करो मतलब ऐसा मतलब नहीं कि हम 5-6 दिन लगाएंगे, जब आप लोग क्लास कर रहे हो डायरेक्टली तब भी नोट्स लिख सकते हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और जब तक आप लोग नहीं लिख रहे हो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करके भी उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बच्चों उसको थोड़ा नोट डाउन कर दो, फिर मैं एक एक एग्जाम्पल मतलब एक एक फॉर्मूला में आता हूँ उसको समझा देता हूँ कैसे इसको याद रखना है, फिर हम सीधा जाएंगे हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको नोट को थोड़ा नोट डाउन कर लो पहले कॉपी में, सब कुछ पता है आप लोगों को, बस थोड़ा सा आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। अच्छा तो पहला जो फॉर्मूला आ जाता है जो कि cos 2x वाला फॉर्मूला है, और ये दोनों ही फॉर्मूला ज्यादातर हम यूज करते हैं, ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ है ना, जब ट्रिगोनोमेट्री का बात आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात आता है, तो ये दोनों फॉर्मूला हम ज्यादातर हम यूज
करते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर cos 2x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये दोनों फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, बट वो दोनों फॉर्मूला तो अभी हमारा यूज नहीं होगा। उससे डिराइव होने वाला एक टर्म आता है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ट्रिगर इंटीग्रेशन करने के टाइम आप लोगों का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin क्यूब x cos क्यूब x, ये चारों टर्म आप लोगों का ज्यादा टाइम यूज होता है जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो ये टर्म्स को आप लोगों को थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा बाय यूजिंग द मेन फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला अगर हमारा टू कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, तो अगर मैं आप लोगों को सीधा पूछूंगी कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, तो जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, वन को इधर ले आओ, तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। तो जहां पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा वहां पे हम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और जहां पे साइन स्क्वायर बोला होगा वहां पे सीधा हम पुट कर सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, सिंपल, ठीक है। तो अगर थोड़ा नोटिस करोगे आप लोग तो ये फॉर्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला को चेक करो, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, लगभग सेम है सब टर्म, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो कैसे याद रखेंगे, जब कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो प्लस होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स होगा तो माइनस होगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग याद रखना चाहते हो, और अगर आप लोग को अच्छे मतलब फॉर्मूला याद है, डिराइव करना सीख गए हो, तो अच्छी बात है, उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, जब चाहो आप लोग यूज कर सकते हो। वैसे ही 3x वाला फॉर्मूला में बच्चों का थोड़ा सा डाउट रहता है, मैं पहले से बता दूं कि साइन 3x जब होता है तो 3 पहले आता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, कॉस 3x पे 4 पहले आता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, बट हमको वो तो नहीं चाहिए, हमको साइन क्यूब एक्स चाहिए। तो जब आप लोग साइन क्यूब एक्स निकाल रहे हो, तो अगर आप लोग को ये मेन फॉर्मूला पता है तो ये वाला आप लोग निकाल सकते हो बस 4 डिवाइड करके, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है साइन क्यूब के साथ, तो ये साइन क्यूब को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, और cos 3x का वैसे 4 पहले आएगा, तो जब यहां से आप लोग डिराइव करके cos क्यूब एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x बाय कितना 4, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का कॉन्सेप्ट, जहां पे कि आप लोगों साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स एंड cos क्यूब एक्स को यूज करना होगा, ठीक है। सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, और ये चारों फॉर्मूला को यूज करके हम बहुत सारा प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दो, डिराइव कर दो, तो जब हम प्रॉब्लम में जाएंगे तो आप लोगों को भी मजा लगेगा करने में, ठीक है। बट फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। तो देखो एक बात नोटिस करो, क्या हम कर रहे हैं, जहां पे भी cos square x sin square x sin cube x cos cube x आ रहा है वहां पे थोड़ा सा चेक करो, हमने यहाँ पे स्क्वायर था क्यूब था क्यूब था, यहाँ पे उसका पावर था, बट जब हम उसको सिंप्लीफाई कर दिए 1 प्लस cos 2x by 2 उसका डिग्री 1 हो गया, मतलब cos का पावर 1 हो गया, 1 माइनस cos 2x यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो sin x sin 3x, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे cos 3x cos x by 4, मतलब यहाँ पे cos 3x है cos x है, इसका मतलब क्या है, डिग्री हम 1 कर दिए सब में सिंप्लीफाई करके, ताकि इंटीग्रेशन एक स्टेप में ही हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ योर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को और डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, और कुछ वहां पे सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं रहेगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। अच्छा अभी बाकी चार फॉर्मूला में आते हैं, बाकी 4 आइडेंटिटी यू कैन से, तो आइडेंटिटी 4 पहला 4 तो हो गया, अभी लास्ट 4 में आते हैं 2 sin x into cos b, 2 sin a into cos b, ठीक है। एक फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था क्या, इसको याद कैसे रखेंगे, ये वाला सीक्वेंस को याद रखना, पहले में साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब डबल है, मिक्स है, देखो यहाँ पे भी मिक्स है, ये दोनों जो फॉर्मूला है ये मिक्स वाला है, मिक्स मतलब क्या, साइन कॉस और ये दोनों जो है ये सेम है, चेक कर लो ये इसका जो ट्रिक है पूरा कॉन्सेप्ट, मैं 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3 में बताया था आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को पूरा अच्छे से आइडेंटिटीज को फिर से रिवाइज करना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को 11th क्लास का, और जो कि हेल्प बहुत करेगा आप लोगों को, तो अगर टाइम है आप लोगों के पास तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बच्चों दिया गया है, सीधा जाओ लेक्चर नंबर 3 को देखो, 30 मिनट इन्वेस्ट करो आप लोग, ठीक है, और एक बार रिवाइज कर दो। 30 मिनट इन्वेस्ट करने का मतलब आप लोग वो लगभग 30 मिनट या 35 मिनट्स का था वीडियो, उसको जाके पूरा एक बार चेक करो, उसका जितना वहाँ पे आई थिंक 50 टू 55 आइडेंटिटीज आ जाए, मतलब नॉर्मल तो 36 या 37 आइडेंटिटीज थे, बट उसको जब हम एक्सप्लिट कर देते थे तो वहाँ पे लगभग 56 टू 60 आइडेंटिटीज वहाँ पे हमने कवर किया था, और उसका ट्रिक, हर एक का ट्रिक मैंने बताया था,
अगर आप लोगों को वो वाला पार्ट देखना है या फिर समझना है या फिर उसको नोट डाउन करके रखना है, उसका नोट्स एंड उसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी जाके पहले अगर आप लोगों को देखना है, अगर देखोगे 30 या 35 मिनट आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, ऐसे में तो फेसबुक स्क्रॉल करके आप लोग 35 मिनट आप लोग का लगा दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि उसको देख लो तो बहुत ही हेल्प मिल सकता है आप लोगों को, यहाँ नहीं तो कहीं और वो यूज हो सकता है, बहुत सारा भी यूज होने वाला है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यही 8 ही यूज होने वाला है, और कहीं पर और कुछ आइडेंटिटी यूज हो सकता है। अभी बेसिकली ये दोनों ही आइडेंटिटी ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये 8 आइडेंटिटी लिखा है, बट कहीं ना कहीं और कुछ भी यूज हो सकते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो 1 घंटा इन्वेस्ट करो और वो 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3 का ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को एक बार देख लो, उसका नोट्स एंड लिंक ऑफ द वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नीचे में। ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो बात है, आप लोग देखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देख रहे हो तो यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे मिक्स से देखो साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ पे है कॉस कॉस साइन साइन, मतलब सेम वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब ऐसे 2 sin A into cos भी होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2 sin A + B + sin A - B, sin A + B + sin A - B, और अगर cos A into sin B है, मतलब cos सामने है और sin नेक्स्ट में सेकंड में, तो वो हो जाएगा sin A + B - sin A - B, दोनों सेम है, देखो दोनों का वैल्यू, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, बस यहाँ पे साइन 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 सेम आ रहा है, बट यहाँ पे देखो क्या साइन का चेंज है, मतलब वहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस है बस। तो साइन ए कॉस बी, अगर साइन पहले है कॉस बाद में है तो आपका क्या होगा sin A + B + sin A - B, और अगर कॉस ए इंटू साइन भी है तो sin A + B - sin A - B, तो द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये sin A + B + sin A - B, यहाँ पे sin A + B - sin A - B। ठीक है, बाकी दोनों ही सेम है। तो ये आ गया आपका मिक्स वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे sin A into cos B था, cos A into sin B था। बाकी थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या बोला है, cos A into cos B, दोनों सेम सेम है, cos A into cos B, और यहाँ पे है sin A into sin B, 2 है, 2 cos A into cos B, 2 sin A into sin B। तो ये वाला को कैसे याद रखेंगे, जब 2 cos वाला आएगा, cos को प्रियोरिटी हम ज्यादा देते हैं, तो cos A into cos B अगर आ जा रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, cos A + B + cos A - B, cos A into cos B, cos A + B + cos A - B। ठीक है, दोनों में ही cos आएगा, बट जब sin A into sin B आएगा, sin A into sin B आएगा, बस वहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे देखो sin A + B sin A - B, यहाँ पे भी sin A + B sin A - B, बस साइन का चेंज होता था, यहाँ पे प्लस होता था या माइनस होता था, यहाँ पे cos A + B, यहाँ पे प्लस है, तो बच्चे क्या करते हैं ना सीक्वेंस में जब याद रखते हैं तो पहले cos A + B लिख देते हैं, बट वैसा नहीं होगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा cos A - B। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब आप लोग कॉन्सेप्शन के हिसाब से याद रख सकते हो कि sin A into sin B जब आएगा तो cos A - B पहले आएगा, cos A + B बाद में आएगा, मतलब सेकंड में आएगा, और माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम साइन भी चेंज कर रहे हैं और इसका प्लेस भी चेंज कर रहे हैं, बस ये sin A into sin B वाला वैल्यू में आप लोग यूज करने वाले हो। ठीक है, सो दीज आर द 4 आइडेंटिटीज, पहला दो उठो sin A cos B या फिर cos A sin B है, तो sin A + B sin A - B रहेगा, बस साइन का रहेगा, जब साइन कॉस होगा तो प्लस होगा, कॉस साइन होगा तो माइनस होगा, और जब cos A cos B या फिर sin A sin B आ रहा है तो cos A cos B के लिए cos A + B + cos A - B, sin A into sin B के लिए बस ये इसको रिप्लेस कर देना cos A - B, लेकिन पहले आएगा cos A - B और cos A + B बाद में, और साइन रहेगा माइनस। ठीक है, सो दीज आर द 8 आइडेंटिटीज जो कि हम बच्चों अभी हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से मैंने समझा दिया आप लोगों को जो जो यूज होने वाले हैं, और तो बाकी अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज के बारे में जानना है, रिवाइज करना है, जो कि हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, और उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को टाइम है 1 घंटे का तो जाके उसको चेक करके रिवाइज कर सकते हो, तो पहले ये लेक्चर को अटेंड कर लो। ठीक है, वो बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, बट आई सजेस्ट एंड आई प्रीफर कि आप लोग उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर आइडेंटिटी पार्ट जो कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करना है। पहले मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि ये जो 8 आइडेंटिटीज है अभी हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने पहला 15 मिनट आप लोगों को बस ये समझाने के लिए बोला कि ये वाला को आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है कॉपी में। फिर अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे, एक बाई वन एग्जाम्पल करते जाएंगे NCERT का और कुछ बुक्स का,
ताकि आप लोगों को हर तरीका सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को इंटीग्रेशन में यूज़ करके उसका सॉल्विंग करते हैं। ठीक है बच्चों, देन अगर आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी यहाँ पर लिखना है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसको आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं सब एग्जांपल्स में। अभी देखो, अभी पूरा हम बहुत सारा एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास में टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। तो इसलिए पूरा लास्ट तक देखेंगे, पूरा एक एक जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और जो जो सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ उसको खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करके। फिर ऑब्वियसली आप लोग धीरे धीरे जब करोगे वो आ जाएगा, पहले मैं देख लो कैसे हो रहा है, फिर नीज खुद करने का ट्राई करो। आफ्टर द क्लास मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिसको कि आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, तभी जाके आप लोगों का मतलब जो सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ेगा। बस देख के कर देने से नहीं होगा, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। पहले ये वाला लेक्चर में जितना एग्जाम्पल करवाया जा रहा है उसको करो, फिर एनसीईआरटी का 7.3 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को खुद को करो, फिर जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको करो। तीनों अगर एक बार आप लोग 40-50 क्वेश्चन पहले से कर लोगे अपने से तो एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम अलग 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 डिफरेंसेस इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, पर लास्ट में जब पहुंचेंगे सब कुछ मिल जाएगा, ये पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे कैसा फंक्शन होगा, तो कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, उसमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, वो करके ही पता चलेगा। ऐसे कोई बोल देगा तो नहीं आएगा, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। तो पहले से मैं बता के रख रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अभी समझ जाओगे बट बाद में जाके प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से ही अगर प्रैक्टिस करना है तो अच्छे से करो, एक बार करो उसको और एक बार खुद से करने का ट्राई करो और समझो। जितना बार नहीं हो रहा है लेक्चर को रिवाइंड करके देखो बट समझो कैसा ट्रिक अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कौन सा टाइप का फंक्शन में हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बस उतना जब कर लोगे तो और टेंशन नहीं है। तो पहला बच्चों जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बच्चों, कौन सा देखो ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। सो दैट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2x। जब 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन जब आता है वो माइनस आता है, बस इतना ध्यान रखेंगे, कॉस में प्लस आता है साइन में माइनस आता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो उसी जगह में फिर मैं लिखूंगा अगर ओनली साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखूंगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो कितना हो जाएगा फिर देखो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे x में एक एंगल को डिवाइड किया है मतलब हाफ किया है, मतलब ये 2x बाई टू हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था बट ये वाला भी यूज होता है, इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लो जहाँ पे आप लोग आपका ये लिखे थे फॉर्मूला वगैरह लिखे थे। ये होता है 2 cos square x का 1 plus cos 2x, तो इसका जब हम डिवाइड 2 करेंगे, मतलब कहीं पे अगर यूज होने होगा 2 sin square x by 2 यूज होना होगा, सो दैट विल बिकम 1 plus cos x, ठीक है। ये वाला भी बहुत जगह में हम यूज करने वाले हैं अभी, तो ये दोनों को भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कैसे हुआ, ये x था, ये x by 2 जब हो जा रहा है मतलब हम उसमें 2 डिवाइड करें एंगल में, तो ये एंगल में भी 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2x है, 2x बाई 2x हो गया। यहाँ पे भी ऐसे x था x बाई 2 हो रहा था, ये 2x था तो ये भी x हो जाएगा, तो 1 प्लस वो ये वाला टर्म देखना आप लोग बहुत जगह में दिखने मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स लिखा होगा, 1 प्लस कॉस एक्स लिखा होगा, तो जहाँ पे प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, जहाँ पे माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स 2 नहीं है, तो 2 अगर नहीं है तो एक हाफ मल्टीप्लाई करो, उसको फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक हाफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, अंदर में 2 कर दे रहा हूँ, आ गया समझ में। वो 2 को लाने के लिए ही मैंने हाफ को मल्टीप्लाई किया बाहर में और 2 एक मल्टीप्लाई किया अंदर में, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैंने ये वाला फॉर्मेट में लिया। तो ये वाला फॉर्मेट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, नॉट कॉस 2x, वन माइनस कॉस dx, कॉस एक्स dx, ठीक है। तो हाफ इन टू 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों x, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स प्लस सी, सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। सो 1
बाई टू होल इन टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके रखने से वन बाई एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं, जगह है यहाँ पे, अगर ये हो गया एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, बच्चे क्या करते हैं ना एक्स बाई टू लिख देते हैं, बट एक्स बाई टू का मतलब है एंगल का डिवीजन, बट साइन एक्स बाई टू मतलब साइन एक्स यहाँ पे पूरा है, बाई टू है, होल डिवाइडेड बाई टू है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है सबका, ये हो गया आपका आंसर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज आपका क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत हेल्प मिल जाएगा, और अगर आप लोग आइडेंटिटीज ही क्लियर नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप लोग जाके फेस कर सकते हो प्रॉब्लम। टैन स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, आप लोगों को पता है, प्रीवियसली भी हमने किया था, तो उसको हम हमेशा सेक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रखते हैं। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स, पता होगा ऐसे करते थे हम, जब भी टैन स्क्वायर आता है तो उसको सेक्स स्क्वायर माइनस वन कर दोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप उसको कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेपरेट कर दूंगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा देखो, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट जो हमने प्रीवियस क्लास में सिखा था, मैं क्या करता हूँ ना, एक्स बाई टू जो है उसको टी ले लेता हूँ, तो टी इक्वल टू एक्स बाई टू, तो डी टी बाई डी एक्स जब हम कर लेंगे तो एक्स तो वन हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा बस, तो डी एक्स को हमको चेंज करना है, ये एक्स बाई टू को हमको टी पुट करना है, तो डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा टू डी टी हो जाएगा, देखो टू को डिवाइड मल्टीप्लाई करना, टू डी टी इक्वल टू डी एक्स हो जा रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग तो ऑब्वियसली देखे होंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, तो बहुत ही क्लियर होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर देखो जो बच्चा नहीं देखा है लेक्चर नंबर टू ना, उसको कन्फ्यूजन लगेगा, सर टी को हमने एक्स बाई टू क्यों लिया, फिर हमने डी टी बाई डी एक्स क्यों किया, फिर टू डी टी इक्वल टू डी एक्स क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने लेक्चर टू में सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो और पहले बस लेक्चर थ्री देखने आ गए हो, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग लेक्चर नंबर वन टू देखो, क्योंकि सबका सबके साथ लिंक है। अगर आप लोग वन टू नहीं देख रहे हो तो थ्री में कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर रहे हो, तो सीरियली देखोगे तो टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन सीरियली देखो लेक्चर वन लेक्चर टू फिर लेक्चर थ्री में आएंगे, तो वन टू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थ्री का भी अपने आप ही वो क्लियर होता जाएगा। और डायरेक्टली आप लोग लेक्चर थ्री में देखोगे, अभी तुम लोग पूछोगे सर सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, सर एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू दर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन कैसे होता है, और सी क्यू हम मतलब ऐड करते हैं, वो सब मैंने लेक्चर नंबर वन में बताया था, ठीक है। तो जहां पे जो जरूरत वहीं पे मैं वही सब बताऊंगा, ठीक है। तो दैट्स वाई पहले आप लोग अगर देखे हो तो ऑब्वियसली कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग फेस कर सकते हो प्रॉब्लम, तो इसलिए सीरियली क्लासेस को अटेंड करो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। और ये तो बच्चों dx का dx रखते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी, ये एक्स बाई टू का t हो गया, dx का dt हो गया, टू जो ये था टू dt था, टू को मैंने बाहर कर दिया, dx का तो dx ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट विल बिकम कितना हो जाएगा बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स का कितना होता है बताओ ना, टेन टी होता है ना, माइनस एक्स का कितना x प्लस सी हो गया, तो टू टेन t का वैल्यू कितना लिया है एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, सो दैट विल बी द आंसर, टू टेन टी माइनस एक्स प्लस सी, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। टी की जगह मैंने बस एक्स बाई टू को पुट कर दिया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा हमको, बस हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे वैल्यू को और विल गेट द आंसर, ठीक है। अभी कॉस फाइव वाला में आते हैं, ध्यान से चेक करो, कॉस टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो कॉस टू द पावर फाइव एक्स जब बच्चों आ जाएगा, इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, ना ही हम स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा उसको ध्यान से देखो, मैं उसको क्या करूँगा, कॉस फोर इंटू कॉस एक्स डी एक्स में तोड़ दे रहा हूँ, कॉस फोर इंटू कॉस मतलब फोर इंटू वन में मैंने तोड़ दिया, क्योंकि फाइव जो होता है वो प्लस के फॉर्मेट, मतलब हम एक्सपोनेंट को जब तोड़ देते हैं प्लस के फॉर्मेट में, तो मैं कॉस फोर इंटू कॉस वन अगर करेंगे तो कॉस फाइव हो जा रहा है, ठीक है। अभी कॉस फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमारा बेस फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर, हमारा बेस फॉर्मूला है क्या कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आइडेंटिटी के अनुसार हमारा कितना होता है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर यस और नो, उसका होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी। तो अभी बच्चे पूछेंगे सर इतना क्यों हम करेंगे, क्यों करोगे बच्चों, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट करना है, और ऐसा वैल्यू एक सब्स्टिट्यूट करना है
ताकि कुछ एक डीटी बाहर आ जा रहा है, ठीक है। ये भी कहां पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, हमारा लेक्चर नंबर 2 में। ऐसा कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे कि वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डीटी के फॉर्मेट में डीएक्स वाला टर्म एक बाहर निकल जा रहा होगा। मैंने देखा कि जब कॉस को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन आ रहा है, बट यहां पे साइन का नामो निशान नहीं है, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया साइन में। अगर अभी हम साइन को टी ले रहे हैं, देखो कॉस एक्स डीएक्स बाहर आ जा रहा है कि नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, हमारा जो साइन एक्स है उसको हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो पुट टी इक्वल टू बच्चों कितना, साइन एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स जब करेंगे, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू कितना हो जा रहा है कॉस एक्स डी एक्स, सिंपल, ठीक है। तो टी के जगह में साइन एक्स पुट कर दो, साइन एक्स के जगह में टू पुट कर दो, और कॉस एक्स डी एक्स जो था ये हो गया आपका सिंपल सा डी टी हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना छोटा हो जाएगा, देखो अभी 1 माइनस ये हो गया आपका टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया डी टी, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, इसको एक्सपांड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, देखो 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना टी में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका टी प्लस टी 4 का बच्चों कितना टी 5 बाई 5 माइनस 2 इंटू टी 4 टी स्क्वायर का कितना टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, हो गया। अभी टी का वैल्यू बस पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो, साइन एक्स प्लस साइन टू द पावर 5x बाई 5 माइनस 2 साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, हो गया कहानी खत्म। साइन एक्स प्लस साइन क्यू साइन 5x बाई 5 माइनस 2 साइन क्यूब एक्स 2 साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेप में मैंने क्या किया ना, एक्स टी के जगह में साइन एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कॉस 4 कॉस 5 ऐसा जब 5 7 ऐसा वाला फॉर्मेट होगा तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके उसको स्क्वायर लिख दिया, बेस फॉर्मूला हमारा कॉस स्क्वायर आ गया ना। तो कॉस स्क्वायर का दो फॉर्मूला, अभी तुम लोग बोले सर कॉस स्क्वायर तो हम ये भी पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2, कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2 करने से बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो सिंपली मैंने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, और साइन स्क्वायर को साइन को टी लेने से कॉस डी एक्स हमारा निकल जा रहा है डी टी में, हो गया। फिर पुट करके ये वाला हो गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये टोटल हो गया डी टी। फिर मैंने इसका खोल दिया डायरेक्टली ए माइनस बी का होल स्क्वायर का 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। फिर बस इंटीग्रेट कर दिया 1 का टी टी 4 का टी 5 बाई 5 ये माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, फिर टी की जगह में साइन का वैल्यू पुट कर दिया, एंड आफ्टर दैट विल गेट द आंसर, खत्म कहानी। अच्छा साइन 7 जब आ जाएगा उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। साइन 7 थोड़ा सा याद करो, देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं 6 के रूप में तोड़ दे रहा हूँ, साइन 6x इंटू साइन एक्स dx, साइन 6x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चों मैं साइन 6x को कैसे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 4 को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था, 6 किसका स्क्वायर होगा, साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर होगा, आइदर हम साइन स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, लेकिन क्यूब करने से क्या है ना बड़ा आ जा रहा है बहुत फॉर्मूला, तो मैंने साइन क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है। तो देखो अभी साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी साइन क्यूब एक्स का जब स्क्वायर किया, अच्छा साइन क्यूब करने से भी वही सेम आ जा रहा है बच्चों, साइन क्यूब में करने से क्या आ जा रहा है ना, वो भी वहीं पे पुट करना पड़ रहा है। तो हम ऐसा ना करके हम जैसे किए थे इसका पहला वाला उसे ही कर देते हैं, अंदर को साइन स्क्वायर रखते हैं, इसको क्यूब रखते हैं, तो क्या होगा ना यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। अभी साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अनुसार, जैसे इसका किया बस यहाँ पे वहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन आ रहा है उसका क्यूब, ये हमको तोड़ने में इजी हो जाएगा। ऐसे अगर मैं साइन क्यूब का स्क्वायर करता तब भी होता वहाँ पे, लेकिन मुझे साइन क्यूब का फॉर्मूला पुट करना पड़ता, जो हमने पहले मैं किया था ना, मैंने डिराइव करके, वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा हो जाता है, नो प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अभी देखो मैंने क्या किया, साइन को कॉस में भी कन्वर्ट कर दिया, अगर अभी कॉस को हम टी ले रहे हैं तो साइन एक्स डी एक्स आ रहा है ना डी टी, खत्म। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पुट टी इक्वल टू कितना कॉस एक्स ले रहे हैं टी, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो रहा है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ रहा है, सो डी टी विल बी माइनस डी टी ले जाते हैं, माइनस डी टी ले जाएंगे तो
दैट विल बी मोर इफेक्टिव, बाहर चला जाएगा, क्योंकि जब भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करो उसको माइनस नहीं लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको, ठीक है। तो इसको पुट करके देखते हैं कितना आ जा रहा है। इंटीग्रेशन देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये हो गया आपका टी स्क्वायर का होल क्यूब, का होल क्यूब इंटू ये टोटल तो हमारा कितना हो गया, डी टी हो गया ना, बट माइनस एक बाहर में है, ये माइनस मैंने दे दिया बाहर में। इसको ध्यान रखना, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी था वो, तो ये माइनस डी टी की जगह में मैं माइनस को बाहर कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर देना, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस है बाहर में, माइनस को बाहर रखो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दें। ये ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वो पूछा है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वन का क्यूब वन, ठीक है, माइनस क्या होता है थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री वन का स्क्वायर वन, बी थ्री टी स्क्वायर, माइनस मतलब टी स्क्वायर, अच्छा ए बी स्क्वायर, वो ए के क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी ना, नहीं नहीं माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, हाँ तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी मतलब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब टी फोर, माइनस टी फोर, ये आ जाना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट चेक कर लो। टी क्यूब नॉट स्क्वायर, ये सिक्स आ जाएगा, हो गया का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली माइनस को मल्टीप्लाई करके ही कर रहा हूँ, पहले वन का कितना हो गया बच्चों, पहले वन का ये माइनस को मल्टीप्लाई करके मैं कर रहा हूँ, तो ये हो गया टी, ये माइनस माइनस प्लस थ्री, ये हो गया टी क्यूब बाई थ्री, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया टी, टी फाइव बाई फाइव, फिर माइनस माइनस प्लस, टी सिक्स का कितना हो गया बच्चों, टी सेवन बाई सेवन प्लस सिक्स, तो माइनस टी, ये प्लस टी क्यूब माइनस थ्री बाई फाइव टी फाइव प्लस टी सेवन बाई सेवन प्लस सी, हाँ ठीक 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 पूरा ठीक। और बच्चों बट यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं टी का वैल्यू नहीं पुट कर पा रहा, बस टी का वैल्यू आप लोगों को कितना पुट करना है, कॉस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, टी का वैल्यू कॉस एक्स पुट करना है, तो माइनस कॉस टी प्लस कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस फाइव टी बाई एक्स में सॉरी माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस फाइव एक्स बाई फाइव प्लस कॉस सेवन एक्स बाई सेवन प्लस सी, दैट विल बी द आंसर। बट मैंने यहाँ पे जगह नहीं है, दैट्स व्हाई मैं टी में ही रख रहा हूँ, आप लोग बस वहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू पुट कर लेना। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है सबका, ठीक है। तो सेवन वाला कॉन्सेप्ट, जैसे सेवन हो गया, फाइव हो गया, कॉस फाइव एक्स या फिर साइन सेवन एक्स, इसको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कैसे करना है, आप लोगों को ब्रेक कर देना है, फिर उस ब्रेकिंग को आप लोगों को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एंड आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ भी हुए होंगे कहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे हम दो दो मेथड कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं टी वाला सब्स्टिट्यूशन, उसी के साथ हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है बस आप लोग चेक कर लो और उसी को अप्लाई करके आप लोगों को प्रॉब्लम को करना है, ठीक है। एंड आई होप ये चारों एग्जाम्पल बहुत ही यूनिक था, सबको ही चारों एग्जाम्पल चारों से यूनिक था, एंड आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सो बच्चों जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, सो आई होप वन टू थ्री फोर एग्जाम्पल वी हैव डन वेरी नाइसली, एंड आई होप उस रिलेटेड क्वेश्चन अभी अगर आएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन हो, आप लोग आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो रिवाइज करते रहना, जैसे जैसे मैं ट्रिक बताता जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, कहीं पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सर ये वाला स्टेप कैसे हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्टेप को मेंशन करके आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि कैसे हो रहा है, ताकि मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने और चार अलग अलग टाइप का लिखा है क्या फंक्शन, और इसमें क्या है ना, कौन सा टाइप का है आप लोग थोड़ा सा अगर जज करोगे, तो ये वाला आप लोग का जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज मैंने जो पहला पेज में लिखा था उसी के ऊपर में है। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे उसको, तो देखो साइन ए साइन बी कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन क्यूब कॉस क्यूब, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं पहला वाला को।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन 2x है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है? साइन a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला को, याद आ रहा है? 2 साइन है, बट वहां पे एक कंफ्यूजन क्या था, मतलब वहां पे एक था 2 साइन a इंटू साइन b करके था, 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू समथिंग एक था, बट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 नहीं है, तो फॉर्मूला थोड़ा लिख लूं मैं। वो फॉर्मूला था आपका 2 sin a into sin b, पूरा लास्ट वाला, आप लोग अगर सिक्वेंशियली याद रखे हो तो लास्ट वाला होता था। तो यहाँ पे क्या होता था, याद करो, cos, ये एक्सेप्शनल केस होता था, तो cos a माइनस b होता था, cos a प्लस b होता था, याद है? तो 2 sin a into sin b का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता था, पहले cos a माइनस b आता था, फिर cos a प्लस b आता था, नीचे में नेगेटिव रहता था, ठीक है? बट सर यहाँ पे तो 2 नहीं है हमारा, यहाँ पे तो साइन ए इंटू साइन बी है, नहीं है तो बना लो, नो प्रॉब्लम, हाफ मल्टीप्लाई हाफ डिवाइड। तो अभी बताओ, अभी आ रहा है कि नहीं, आ गया कि नहीं, हो गया, कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना। तो नहीं भी होगा तो आप लोग ले आओ, क्योंकि एट द एंड आपको आइडेंटिटी यूज करना है, तो कहीं पे अगर 2 नहीं है तो 2 बिठा दो, और 2 खाली तो नहीं बिठा सकते, उसको हटाना भी पड़ेगा, उसका बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ मल्टीप्लाई हाफ डिवाइड कर दिया, तो 2 कैंसिल भी हो गया, हमारा फंक्शन का फंक्शन भी रह गया, और हमारा ये फॉर्मूला भी आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला पुट करो, हाफ को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, कॉस ए माइनस बी, तो बच्चों कॉस 3x माइनस 2x कितना आ रहा है, कॉस एक्स माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब कितना, कॉस 5x, खत्म। सीधा करता हूँ मैं, हाफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस हाफ इंट कॉस एक्स का साइन 5x बाई 5, तो डायरेक्टली 10 कर देते इसको, 1/10 साइन 5x प्लस सी, हो गया बच्चों, ये क्या आसानी से हो गया, 1/2 साइन एक्स माइनस साइन 5x बाई 10 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। डन, सबका क्लियर, बस सब काम छुपा है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं है तो बैठे रहना वैसे ही है, ठीक है? इसलिए नहीं बैठने के लिए आप लोगों को आइडेंटिटी को चेक करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी किसका आ रहा है, देखो, कॉस साइन, कॉस पहले साइन बाद में, चेक कर लो, कॉस पहले साइन बाद में, कौन सा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग देखो, मैंने सिक्वेंस आप लोगों को बताया था ना, ये सेकंड फॉर्मूला है, सीक्वेंस अगर आप लोग याद रखे तो पूरा ध्यान आ जाएगा दिमाग में कि कौन सा हम आइडेंटिटी बूट कर रहे हैं। कॉस ए इंटू साइन बी, पहले साइन कॉस का गया था ना, फिर कॉस इंटू साइन का गया था, तो साइन साइन तो आ रहा था बट नेगेटिव आ रहा था, पहले में पॉजिटिव इसका नेगेटिव आ रहा था, याद आ रहा है? तो क्या होता था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ट्रिक देखो, ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग को अगर अलग ट्रिक कुछ अप्लाई करना है कर सकते हो आप लोग के अनुसार, बट मैंने जो ट्रिक बताया था वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हो। पहले मैं जो मैंने बताया था ट्रिक आप लोग को, यहाँ पे भी नहीं है कुछ नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड हो गया हमारा 1/2, 2 भी आ गया और 2 cos a into cos b वाला फॉर्मूला भी आ गया। डायरेक्टली करते हैं इंटीग्रेशन, कितना आ रहा है, 2 cos a into cos b का sin a plus b, तो sin 3x plus sin 5x, ठीक है, माइनस sin a minus b, तो sin 3x minus 2x कितना, x हो गया, तो साइन 5x माइनस साइन x dx। डायरेक्टली करते हैं, ये हाफ इंटू कितना आ रहा है, देखो साइन 5x का माइनस, हाँ ये 10 आ जाएगा क्योंकि 5 फिर डिवाइड होगा ना, तो और माइनस भी क्योंकि साइन का माइनस होता है ना, तो माइनस 1/10 cos 5x आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि साइन x का, और 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 cos प्लस, तो माइनस 1/10 cos 5x बाई 10 माइनस 1/10 cos 5x प्लस cos x बाई 2 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। फिनिश्ड बच्चों, देखो मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा ज़्यादा क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडेंटिटी पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला में आते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो cos पहले cos बाद में और cos a into cos b सिंपली, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो 2 cos a इंटू cos b, थर्ड फॉर्मूला याद आ रहा है, थर्ड फॉर्मूला, तो दोनों में ही cos आ रहा था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ये तो सबसे इजी फॉर्मूला है,
थर्ड वाला ना, देखो थर्ड सेकंड फर्स्ट अगर ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो मुझे साइन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मतलब प्लस कहाँ पे आ रहा है माइनस कहाँ पे आ रहा है वो आसानी से आप लोग कर लोगे। सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बट यहाँ पे टू नहीं है सर, कोई बात नहीं, टू ले आते हैं, वन बाई टू टू कॉस फॉर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अभी देखो ऐसा वाला प्रॉब्लम का आपका रॉन्ग होने का चांसेस होगा ही, रॉन्ग तो होगा ही नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग। तो ए प्लस बी मतलब कितना, पहले हम आ रहे हैं फोर एक्स प्लस एक्स फाइव एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी फोर एक्स माइनस एक्स तो कॉस थ्री एक्स डी एक्स हो गया। तो ये आ गया आपका वन बाई टू, वन बाई टू नहीं वन बाई टेन कर लेते डायरेक्टली, फाइव भी डिवाइड हो रहा है तो वन बाई टेन साइन फाइव एक्स क्योंकि कॉस का तो साइन ही आता है, प्लस ये वन बाई टू है यहाँ पे थ्री आ रहा है तो वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री वन बाई सिक्स क्या है, वन बाई टू था यहाँ पे वन बाई थ्री तो वन बाई सिक्स हो गया डायरेक्ट ना, और कॉस का कितना साइन थ्री एक्स प्लस सी हो गया। तो वन बाई टेन साइन फाइव एक्स प्लस वन बाई सिक्स साइन थ्री एक्स प्लस सी एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, कितना ईजी हो रहा है बच्चों देखो, और इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग आसानी से कर लोगे, बस आप लोगों को समझना है कि कौन सा फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है, पहले में साइन ए इंटू कॉस भी आ रहा है या फिर कॉस ए इंटू साइन भी आ रहा है या फिर कॉस कॉस आ रहा है या फिर साइन साइन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तीनों टाइप का कर दिया, बाकी एक टाइप का आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट आ जा रहा है, यहाँ पे बोला है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ये साइन क्यूब एक्स है यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है, आइदर आप लोग ऐसे कर सकते हो साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब करके उसको करके कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकिंग वाला सिस्टम में करके देखता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स मैं ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा ताकि एक कोई भी एक को टी लेने से वो डी टी हो जा रहा होगा, मतलब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट। कॉस क्यूब एक्स को डायरेक्टली तो हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बट मैं थोड़ा सा छोटा करके कर रहा हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स कर रहा हूँ। आपको पता चल रहा होगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अभी जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको बहुत ही ध्यान से पता चल रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। कॉस स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर इंटू, ये हो गया आपका कितना कॉस एक्स डी एक्स। अभी कुछ कुछ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, क्या आ रहा है साइन एक्स को टी पकड़ लो, हो गया कहानी वहीं पर खत्म हो गया। देखो यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स ऑलरेडी आ गया तो मैं साइन एक्स को टी ले लो तो कॉस एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये टी क्यूब ये वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, खत्म कहानी। तो पुट टी इक्वल टू कितना बच्चों साइन एक्स ले गया तो डी टी इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, इतना तो अभी डायरेक्टली लिख सकता हूँ इतना बार करने के बाद। ये दोनों को पुट कर दो कितना हो जा रहा है चेक कर लो, ये हो गया आपका साइन क्यूब कर ना तो ये टी क्यूब हो गया होल इंटू वन माइनस टी स्क्वायर और ये टोटल कितना हो गया डी टी, तो टी क्यूब होल इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डी टी मल्टीप्लाई कर दो कितना हो रहा है देखो, ये टी क्यूब हो गया ये आपका टी फाइव हो गया का इंटीग्रेशन। टी क्यूब का बच्चों कितना टी फोर बाई फोर माइनस टी फाइव का कितना टी सिक्स बाई टी सिक्स प्लस सी हो गया, तो कितना वन बाई फोर साइन को लिया था ना मैंने साइन फोर एक्स माइनस वन बाई सिक्स साइन सिक्स एक्स प्लस सी हो गया, कितना सिंपल हो रहा है देख रहे हो। तो कहीं पे कहाँ मतलब कौन सा फंक्शन में आपको कौन सा टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है वो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब तक आप लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पहला यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन हमने आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया जिसमें कि साइन टू साइन इंटू साइन बी टू कॉस साइन टू कॉस बी टू कॉस साइन टू कॉस बी वही वाला जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था उसको अप्लाई किया। लास्ट वाला में भी अप्लाई कर पाते अगर मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल टू दिवर क्यूब करता वहाँ पे टू मल्टीप्लाई करता टू डिवाइड करता तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसीलिए उसको करने से भी होगा नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं होगा, उसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने क्या किया ना थोड़ा ब्रेक कर दिया, साइन क्यूब को साइन क्यूब रखा कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर और कॉस कर दिया फिर कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, तो मैंने देखा कि साइन जो टी ले रहे तो कॉस एक्स डी एक्स उठ जा रहा है मतलब डी टी हो जा रहा है, तो डायरेक्टली टी पुट कर दो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर इंटीग्रेट कर दो फिर टी की जगह में वैल्यू पुट कर दो, सो विल गेट द आंसर वन बाई फोर साइन फोर एक्स माइनस वन बाई सिक्स साइन सिक्स एक्स प्लस सी एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर योर फाइव सिक्स सेवन एट एग्जाम्पल एंड आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कहीं से भी आप लोग बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में।
ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारा और एक इम्पोर्टेंट हब बोल सकते हैं, और यहाँ पे मैंने स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, 9 and 10 एग्जाम्पल, ठीक है। और इस टाइप का एग्जाम्पल का प्रॉब्लम भी बहुत बार आता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर रिपीट करता है क्वेश्चन। जैसे 3 वाला फंक्शन, अभी तक हम दो दो फंक्शन का कर रहे थे, कॉस इंटू कॉस भी हो गया, कॉस इंटू साइन भी हो गया, बट यहाँ पे क्या है ना, 3 ठो दिया है आप लोगों का, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, ठीक है। तो ऐसे 3 वाला फंक्शंस के लिए आप लोगों को करना क्या है उसके थोड़ा देखते हैं। और एग्जांपल नंबर 10 में हमने साइन 4x dx जब होगा उसका कैसे क्या करेंगे, साइन 4 है, कॉस 4 हो गया, उसका कैसे क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जब 3 वाला फंक्शन आएगा यहाँ पे भी आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, पहले आप लोगों को एनी 2 को लेना है, ठीक है। तो एनी 2 को लेना है तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, और 2 तो लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ ना, पहला दोनों को ले रहा हूँ। तो पहला दोनों के लिए ये 2, इसको फॉर्मूला डालने के लिए हाफ मल्टीप्लाई किया, हाफ डिवाइड किया, ठीक है। और कॉस 3 जैसा है उसको रख दो ऐसे ही, इसका काम बाद में आने वाला है। तो हाफ इंटू इसका 2 कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने बोला जस्ट कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी थर्ड वाला फॉर्मूला, जहां पे कि साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब थर्ड वाला में कॉस आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आता है। तो कॉस ए प्लस बी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, तो कॉस ए प्लस बी मतलब 2x प्लस एक्स 3x प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब x माइनस 2x, x माइनस 2x है, तो कितना आ रहा है माइनस एक्स, ब्रैकेट दे दो इसको, इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x 3x, कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ही होता है, आपको याद होगा। कॉस और सेक का नेगेटिव एंगल भी हमारा पॉजिटिव होता है, तो कॉस ये कॉस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, तो उस जब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे उसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हाफ को बाहर में ही रखो, हाफ को मैंने बाहर में रखा, इंटीग्रेशन दे दिया। अभी देखो कॉस 3x कॉस 3x, यहाँ पे कॉस 3x यहाँ पे कॉस 3x, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 3x हो गया, प्लस इसको एक बार सेपरेट ही कर देते हैं पूरा, ये हो गया dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ इसको, ये हाफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस ऑफ कॉस थीटा, इसलिए प्लस आएगा। अगर यहाँ पे साइन वगैरह कुछ रहता तो ये नेगेटिव होता है ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा, तो प्लस रहा, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो रहा है बच्चों देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x dx, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x। ओके बच्चों, अभी देखो हमारा ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, ये आपका 1/2 कॉस स्क्वायर 3x हो गया, ये 1/2 कॉस एक्स इंटू कॉस 3x हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, ये हमारा कितना आ रहा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्मेट में आ रहा है, बट बात है कि यहाँ पे 2 और 2 नहीं है, तो उसको करने के लिए 1/2 को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/4, और यहाँ पे हमारा हो गया कितना 2 cos square 3x, 2 cos square 3x हो गया, ठीक है, dx प्लस ये भी 1/2 एक मल्टीप्लाई, तो 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 2 cos x into cos 3x dx, ध्यान से देख लो, हो गया। अभी 2 cos square x का फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला होता था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस cos 2x होता था, 1 प्लस cos 2x, ठीक है, 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x मतलब यहाँ पे 1 प्लस cos 2x मतलब 3x है, मतलब 1 प्लस cos 6x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस cos 6x हो गया, ये हो गया dx प्लस ये 1/4 को 1/4 रहा, ये देखो 2 cos a into cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी करेंगे तो कितना हो रहा है 3x प्लस x 4x हो रहा है, a माइनस बी करेंगे तो कितना आ रहा है देखो कॉस माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स डी एक्स, वॉट इट बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर सबका, ठीक है। तो उसमें मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया जो कि होता है 1 प्लस कॉस टू एक्स, और सेकंड वाला में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया जो कि होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं आप लोग याद करोगे तो नहीं होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, पूरा सेपरेट कर देता हूँ सबको, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, पूरा सेपरेट कर देते हैं इसको, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx, ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया, फिर यहाँ पे बचा 1/4 कॉस 4x dx, इसको भी सेपरेट कर दिया,
प्लस ये तो हो जाएगा आपका 1/4 कॉस माइनस, तो वो प्लस ही हो जाएगा कॉस 2x dx। और डेट बच्चों देखो सबको मैंने सेपरेट कर दिया, पहला टर्म को ये पहला टर्म सेपरेट, दूसरा टर्म सेपरेट, यहाँ पे तीसरा, ये यहाँ पे चौथा, सब टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो हो गया कितना देखो, ये 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 और यहाँ पे 6 आएगा तो वह हो गया 24 cos का इंटीग्रेशन sin 6x। ये हुआ तो cos 6x का sin 6x बाई 6 होता है ना, तो बाई 6, 1/6, 1/4, 1/24 हो गया डायरेक्टली, वैसे 1/4 है ये बाई 4 आएगा तो 1/16 आ जाएगा, तो cos का हो गया sin, तो 1/16 sin 4x, ठीक है हो गया। अभी यहाँ से 1/2 आने वाला है तो ये हो गया 1/8 sin 2x, cos 2x का sin 2x प्लस c, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर 1/4, ये पूरा हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया बच्चों, ऐसा टाइप का जब तीन टाइप का फंक्शंस होता है तो पहले दो को अलग कर दो, तीसरा को रखो, यहाँ पे 2 cos a into cos b जो भी होगा उसका फॉर्मूला पुट कर दो, ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा प्लस में, और ये थर्ड वाला को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 3x cos 3 cos स्क्वायर 3x हो गया, और ये तो cos नेगेटिव थीटा इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ cos थीटा होता है तो cos x into cos 3x बचा, तो इसको भी सेपरेट कर दिया। फिर ये तो हाफ था ऑलरेडी, फिर यहाँ पे 2 cos square x का फॉर्मूला गिरा, यहाँ पे 2 sin into sin, बट 2 नहीं था तो वो 2 को लाने के लिए 1/2 एक मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 ऑलरेडी था तो 1/4, यहाँ पे भी 1/4, फिर यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिए, फिर उसको बस फॉर्मूला डालने के बाद सेपरेट कर दिए, फिर इंटीग्रेट कर दिए, एंड देन विल गेट द आंसर। एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और ये तीन टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता भी है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, तो बहुत ही ध्यान से इसको करेंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के तो इस रिलेटेड कॉस साइन जिसका भी मिला के भी दिया होगा तो आसानी से आप लोग उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में, जिसमें कि हमको क्या करना है, साइन 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे कर रहे हैं हम। ध्यान से बच्चों देखो, इसको जब हम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देखो, ये साइन 4x dx, साइन 4x dx, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। साइन 4 को मैंने क्या किया ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अभी मुझे उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में लाना है, तो 2x लाना है, तो 2x लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1/4 करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके आएगा, तभी जाके हम कर सकते हैं। मतलब ये 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर का, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है ना, अगर हम इसको खोल देंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, बट यहाँ पे इसीलिए उसको मेकअप करने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1/4 मल्टीप्लाई किया बाहर में, तो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। बस किसके लिए मैंने किया, इसके जगह में मुझे 2 साइन स्क्वायर एक्स लाना था, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है, जैसे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x, मैंने बोला था कॉस में प्लस आएगा साइन में माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, 1 माइनस कॉस 2x, साइन है ना तो 1 माइनस कॉस 2x, तो उसका वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx। अभी देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर गिर गया, इसको खोल दो, 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, हो गया बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया बस, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस एक्स 2x dx, ठीक है। अच्छा अभी क्या करते हैं, फिर से इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर सेपरेट करने से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बट इसमें क्या था ना, इसको 2 चाहिए ना, देखो यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स फिर से पुट करना है, तो उसके उससे अच्छा है कि डायरेक्टली सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो ये हो गया 1/8 और 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो रहा है देखो 2, ये हो गया, ऐसे सेपरेट करके भी आप लोग कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब सेपरेट मतलब 1/4 को सब में मल्टीप्लाई करते तो हो जाता, तो मैंने उसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली इंटीग्रेट, तो 2 हमेशा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था, तो 2 एक बाहर में 1/2 मल्टीप्लाई किया और 2 अंदर में सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, एक ही बात है आफ्टर, अगर आप लोग सेपरेट करके करते भी तो भी आपको इंडिविजुअली आपको करना पड़ता, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। तो ये 1/8 रहा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 2 प्लस ये कितना हो रहा है देखो, 2 cos स्क्वायर x आ रहा है, तो 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x, बट 2x के जगह यहाँ पे 2x है, तो 2 into 2x मतलब cos 4x हो गया,
ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करने से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस फोर कॉस टू एक्स पूरा का इंटीग्रेशन डीएक्स। डन बच्चों, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं और मतलब पूरा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2+1 कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका कॉस 4x आ गया और ये आ गया आपका 4 cos 2x। और ये सबका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब पूरा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया देखो 3/8 एक्स, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब 3/8 dx का इंटीग्रेशन x, फिर 1/8 और यहाँ पे 4 निकल रहा है, तो 1/8 और 4 मतलब 4 3 8 4 32 ना, तो 1/32 cos 4x का बच्चों कितना, sin 4x माइनस ये 4/8 1/2, देखो 4/8 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 निकल रहा है तो 1/4 आ रहा है। आप लोग अगर चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो देखो 1/8 × 4 जब करेंगे 4/8 हो रहा है, 1/2 1/2 और यहाँ से 2 निकल रहा है नीचे में, तो 1/2 × 1/2 1/4 और cos 2x का कितना, sin 2x प्लस सी, ठीक है। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्विकली आप लोग खुद से कर पाओगे। तो 3/8 x प्लस 1/sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस सी, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें बच्चा इस टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, ये जो साइन फोर था इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर के जगह में मैंने 2 sin² x पुट कर दिया उसका स्क्वायर, ये 2 sin² x का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 cos 2x 1 cos 2x का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस इसका माइनस 2ab। फिर ये तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट इसका नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 के लिए पूरा मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 cos² x का फॉर्मूला, दैट इज 1 cos 2x होता है, बट यहाँ पे 2x था तो ये वाला 4x हो गया। अभी 2+1 3 हो गया, ये cos 4x, ये -4 cos 2x, 1/8 बाहर में था, अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट और एक स्टेप करना था मल्टीप्लाई करके, मैंने डायरेक्ट किया 3/8 dx का इंटीग्रेशन x, फिर 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1/8 रहेगा और cos 4x का 1/4 आ गया, तो 1/8 × 1/4 1/32 sin 4x माइनस 4 × 8 4/8 1/2, यहाँ पे 2 निकल रहा है, 1/2 × 1/2 1/4 cos 2x का sin 2x plus c, and that will be the correct answer, ठीक है बच्चों। So that is all about your example number कितना 10 also, very nicely we have done it, and I hope कि सबको समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग स्टेप वाइज करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बच्चों इसको समझ पाओगे, अगर आप लोग डायरेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग को रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना। इस रिलेटेड अभी जो भी फॉर्मूला आएगा, जैसे साइन 4x का किया, वैसे cos 4x का भी कर सकते हो, cos 2x का स्क्वायर लेके पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, और यहाँ पे जैसे cos x, cos 2x, cos 3x का वैसे sin x, sin 2x, sin 3x या फिर sin 2x, sin 3x, sin 4x कुछ भी होगा, कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट पूरा ही सेम रहेगा। एंड आई होप कि आप लोग भी उसको अच्छे से कर लोगे, अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, वरना इसको नहीं प्रैक्टिस किया होगा उसको करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देन इतना अगर क्लियर है तो नेक्स्ट जाते हैं हम और कुछ एग्जांपल्स में। ये ऑब्वियसली ये क्लास थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ऑब्वियसली क्लास लंबा होगा ही, बट पूरा लास्ट तक पेशेंटली बैठेंगे और पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट को करने के बाद बाकी आप लोग को, बस इतना करने से भी नहीं होगा, इसको करने के बाद इस रिलेटेड और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को एक अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर इतना तक क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 में। ये सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो इस रिलेटेड और बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने 10 एग्जांपल कर चुका है और सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हर एक क्वेश्चन का अलग ही उसका यूनिकनेस है, इसीलिए जितना भी मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ सब मैं मतलब कलेक्ट करके कर रहा हूँ हर तरफ से कवर करने के लिए, ताकि आप लोग हर एक एग्जांपल को, अगर जितना डिस्क्राइब हो रहा है ये लेक्चर में, अगर आप लोग हर एक एग्जांपल को अच्छे से समझ जा रहे हो तो उस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो बाहर से हो, कहीं से भी क्वेश्चन से हो, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा आज का, लेकिन लेंदी होगा तभी ही हम अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 20 एग्जाम्पल करके आप लोग को दे दूँ, ताकि वो 20 अलग अलग एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप लोग उस रिलेटेड और 50-60 एग्जाम्पल खुद से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके पकड़ो, जितना बोला जा रहा है उतना करो, पहले इतना करो उस रिलेटेड, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, फिर उसको एनसीईआरटी से मैच करके उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करो, फिर
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, उसको करो, फिर 50-60-70 क्वेश्चन खुद से करने के बाद आप लोग के कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे सर इतना सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इतना तो नहीं कर सकते हम, टाइम नहीं हो रहा। तो बच्चों टाइम नहीं हो रहा वो एक्सक्यूज हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं होगा। इधर में करोगे तो मतलब गाड़ी में जा रहे हो, ब्रेक मारोगे तो ही रुकोगे, नहीं मारोगे तो खाई में, आपको पता है कि अगर ब्रेक नहीं मारेंगे तो खाई में घुसेंगे। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तो आप लोग खाई में जाओगे, तो आप लोग के ऑप्शन कुछ नो वाला ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, करो या मरो का परिस्थिति आ गया है अभी 12th में, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से करो, प्रिपेयर हो, कहीं पर प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो, बट करो, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हम 11 में आते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, वो बोला है साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, देखो ध्यान से अगर देखें, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो इस लेवल का जो जो क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर सकते हो। इस वाला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना, एक्स माइनस अल्फा जो नीचे में दिख रहा है उसको टी ले जाओ, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आप लोगों को मतलब कर करके आप लोगों को समझना पड़ता है। तो जैसे कि एक्स को मैंने एक्स माइनस अल्फा ले लिया, तो एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, देखो टी प्लस अल्फा हो जाएगा, वेयर अल्फा इज एनी कॉन्स्टेंट ना। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का तो 1 माइनस अल्फा का 0 बिकॉज अल्फा इज कॉन्स्टेंट, तो डी टी इक्वल टू कितना आ गया डी एक्स। तो पूरा को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी, ठीक है। तो जब हम पूरा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स की जगह में कितना पुट कर रहे हैं हम, साइन एक्स की जगह में टी प्लस अल्फा, टी प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा को तो हमने टी पकड़ लिया है, तो ये हो गया साइन टी, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे साइन टी लाना था, और डी एक्स का हो गया डी टी, ठीक है। सब कुछ हमने कन्वर्ट कर दिया, चेक कर लो, टी के जगह में एक्स के जगह में टी प्लस अल्फा, और एक्स माइनस अल्फा के जगह में टी, और डी एक्स के जगह में डी टी, सब सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी बात हो रहा है साइन टी तो सर हमने कर दिया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का है, ये मैंने बताया नहीं था, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, हमेशा याद रखना साइन ए प्लस बी जब होगा तो मिक्स रहेगा विथ सेम साइन रहेगा, मिक्स विथ सेम साइन मतलब कितना रहता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मिक्स विथ सेम साइन। ये वाला भी अगर आप लोगों को समझना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से बोल के रखा है, ट्रिगोनोमेट्री में ही सब कुछ आइडेंटिटी आप लोगों को प्रूविंग के साथ ट्रिक के साथ याद रह जाएगा। अगर आप लोगों को ये सब मैंने बोला था ना, वो 8 जो मैंने बोला था वो लगभग हमने यूज कर रहे थे, बट उसको छोड़ के भी बहुत सारा आइडेंटिटी है जिसको हमको यूज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी को पाने के लिए आप लोग जाके देख सकते हो हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टैंडर्ड 11, जो कि लिंक में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये कितना हो रहा है, देखो साइन टी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस टी इंटू साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय कितना साइन टी यहाँ पे डी टी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बच्चों जिसको जब हम इसको सेपरेट कर देंगे, देखो ये कितना हो गया कॉस अल्फा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ सेपरेट करके, ये साइन टी तो कट गया, अगर मैं साइन टी इंटू कॉस अल्फा बाई साइन टी करूँ तो साइन टी कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फा बच रहा है, और इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस अल्फा सिंस कॉस अल्फा इज कॉन्स्टेंट मैंने बाहर कर दिया डी टी, डायरेक्टली मैं एक स्टेप ओमिट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जब हम करेंगे देखो कॉस टी बाई साइन टी कितना हो गया टैन टी हो गया, और साइन अल्फा तो साइन अल्फा चला गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा कॉट टी, कॉट टी कॉस अल्फा ऊपर में है, कॉस टी ऊपर में है साइन टी ऊपर में, तो कॉस टी कॉट टी कॉट टी डी टी, कॉट टी डी टी का इंटीग्रेशन, समझ में आया। सिंस अल्फा इज कॉन्स्टेंट तो दैट मीन साइन अल्फा इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ गया डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन अल्फा बाहर आ गया, कॉट टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये कितना आ रहा है, अच्छा डी एक्स मैंने लिखा है, ये डी टी होगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसा बच्चों। तो कॉस अल्फा इंटू टी हो रहा है, डायरेक्टली मैं पुट भी कर दे रहा हूँ क्योंकि और मेरे पास स्टेप नहीं है यहाँ पे करने के लिए, तो कॉस अल्फा इंटू टी होना चाहिए, मैंने डायरेक्टली टी के जगह एक्स माइनस अल्फा पुट कर दिया, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन। बच्चों मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन में कॉट टी को वही कॉस टी बाई साइन टी करते हैं, फिर साइन टी को टी लेंगे तो कॉस टी ऊपर में चला जाएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है लॉग साइन टी होता है, लॉग साइन टी होना चाहिए, तो टी का वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ,
सॉरी साइन टी का पूरा लॉग है मोड लॉग साइन टी प्लस सी और साइन टी होना चाहिए। देखो ये वाला स्टेप क्या होता है ना, कॉस अल्फा इंटू टी प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन टी प्लस सी। तो टी और एक बार टी को वैल्यू पुट करते एक्स माइनस अल्फा, हमने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। प्लस सी लिखना मत भूलना, दैट इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, सो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सॉल्व लाइक दिस। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जिस बच्चों को अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि सर कॉट टी का इंटीग्रेशन आपने कैसे लॉग साइन टी कर दिया, तो सिंपल से बात है कॉस को हम साइन कॉस बाई साइन कर सकते हैं, फिर साइन टी को टी साइन टी को साइन एक्स को टी ले जाओ तो कॉट कॉस एक्स डी एक्स ऊपर वाला डी टी हो रहा है, तो डी टी बाई टी लॉग टी, तो लॉग टी हमने कितना लिया था साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स। ठीक है, मैंने ये डायरेक्टली बताया, जो बच्चों ने लेक्चर टू नहीं लिखा होगा वो उनके सर से बाउंस करके चला जाएगा बॉल, और बट जो बच्चे ने देखा होगा उनको समझ में आ जाएगा कैसे क्या गया। ठीक है, तो इसलिए लिंक बहुत जरूरी है। तो अभी तक अगर आप लोग नए हो तो जाके पहले 1-2 को देखो। सर बार बार आप बोल रहे हैं, हाँ बार बार मैं बोलूँगा क्योंकि आप लोग जब तक क्लियर नहीं हो रहे हो फंडा, ऑब्वियसली आप लोग को कुछ कम समझ में ही नहीं आएगा। 12 एग्जांपल में आते हैं बच्चों, ऊपर में है साइन 4x, नीचे में है कॉस 2x, हमको ऐसा कुछ करना है कि कॉस 2x ऊपर में आ जाएगा और कॉस 2x कट जाएगा। तो मैं एक सिंपल सा फंडा कर रहा हूँ, देखो सर क्या फंडा आप लगाएंगे ध्यान से अगर देखोगे तो मैं ऐसा एक फंडा लगा सकता हूँ। साइन 4x है ना, अगर हम साइन 4x लिखे हैं तो उसको बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 4x को एक फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे भी आइडेंटिटी, सर कितना आइडेंटिटी यूज करेंगे, हाँ ऑब्वियसली करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद आ रहा है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ये तो याद ही होगा, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था साइन 2 थीटा का, या फिर साइन 2x था 2 साइन x इंटू कॉस, बट यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे कितना है 4x है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x, हाँ लिख सकते हैं, बाय नीचे में कितना cos 2x, फॉर्मूला पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया, देखो 2 साइन x इंटू cos x होता है ना, तो ये कितना हो गया 2 साइन x, तो नहीं x के हमें हमने कितना लिया 2 है, तो 2 साइन 2x इंटू cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2x cos 2x ऑल डिवाइडेड बाई बच्चों कितना cos 2x, और dx मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ये हो गया dx। अभी देखो cos 2x जो था यहाँ पे, ये sin 2x था, cos 2x कैंसिल, तो बचा कितना 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx हो गया। cos 2x कट गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, बचा कितना sin 2x dx का इंटीग्रेशन, और sin 2x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये 2 था और बाय 2 हो गया, मतलब 2 भी कैंसिल हो गया, 1 कर दिया मैंने डायरेक्टली, 2/2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस एक आएगा क्योंकि साइन का माइनस होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस सी, तो 2 कहाँ गया फिर, बाई 2 होता है ना साइन 2x का, माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये 2 था, 2 तो मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। स्टेप आप लोग यहाँ पे ओमिट कर, ओमिट तो मैंने नहीं किया, मैं समझा दिया आप लोगों को, तो लिख सकते हो आप लोग माइनस 2/2 कॉस 2x प्लस सी, 2 कट गया तो माइनस 1 बचा, तो माइनस कॉस 2x प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 ऑल्सो वेरी नाइसली डन, एंड आई होप कि बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपका। अभी आते हैं बच्चों 13 नंबर एग्जाम्पल में, देखो जो 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 मैं बच्चों ब्लू में लिख रहा हूँ दैट मीन्स दे आर द आइडेंटिटीज, और जो कि एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब आइडेंटिटीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, बट फिर भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पूरा आइडेंटिटीज के बारे में पूरा और एक बार देखना है, कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेक्चर नंबर 3 जो कि मैंने लिंक में दिया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोग को बहुत सारा आइडेंटिटीज के बारे में, मतलब सब आइडेंटिटीज के बारे में जानना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग 1 आवर इन्वेस्ट करके वो सबको आसानी से एक कॉपी में लिख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। देखो ये वाला मैंने अभी तुम लोग बोले सर ये वाला तो आपने बताया नहीं था, बट ये वाला तो आइडेंटिटी है ना, बताया नहीं था तो नहीं बोल सकते, आइडेंटिटीज तो कुछ भी यूज कर किया जा सकता है कहीं पे, फंक्शन के अनुसार हमको आइडेंटिटी को यूज करना है, तो इसलिए सब आइडेंटिटी मैंने जो 8 आइडेंटिटी पहले में लिखा था वो मेन आइडेंटिटीज था जो कि हम यूज कर रहे थे, बट एडिशनल आइडेंटिटीज बहुत सारा है, मैंने जैसे बोला 36 मेन आइडेंटिटीज आर देयर, एंड अगर एडिशनल करेंगे मतलब मिक्स करके करेंगे तो 50-60 आइडेंटिटीज आर देयर, सो कहीं ना कहीं बहुत सारा आइडेंटिटी यूज हो सकता है, दैट्स वाई अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 13 नंबर एग्जांपल में आता है, यहाँ पे बोला है 1 प्लस साइन एक्स का रूट ओवर डी एक्स, ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन आ रहा है, बट
आप लोगों को क्या करना है ना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्या करना है इसको देखो ध्यान से। हम इसमें क्या करेंगे ना, ये वन जो है ना बच्चों, ये जो वन है उसको मैं क्या कर रहा हूं ना, आइडेंटिटी में पुट कर दे रहा हूं, और ये साइन एक्स है इसको भी आइडेंटिटी में पुट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, थोड़ा अगर देखोगे, वन के जगह में मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यूनिक क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी बोलोगे सर कैसे दिमाग में आया, तो प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में आएगा, ठीक है। तो वन की जगह वन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो होता है, वन होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स के फॉर्मेट में। तो टू एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू इंटू एक्स बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स बनाना था, टू इंटू एक्स बाई टू लिख दिया, उसका होल का क्या, रूट ओवर, ठीक है। वन के जगह में हमने पुट किया ना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को मैंने कैसे लिखा, साइन टू इंटू एक्स। तो मतलब वहां पे क्या आप वैल्यू पुट हो रहे हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो अभी देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कॉस को ऐसे लिख सकते हैं हम कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने बोला जस्ट ये वाला फॉर्मूला, टू साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा, थीटा हमारा कितना है बच्चों, एक्स बाई टू इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स बाई टू हो गया, ये हो गया डी एक्स का होल रूट ओवर। बच्चों अभी ध्यान से थोड़ा आप लोग बता सकते हो ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बहुत ही सिंपल, सेवन एट क्लास में हमने पढ़ा है। हाँ सर बता सकते हैं, बताओ जल्दी सर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का रूट ओवर। रूट ओवर नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। तो रूट ओवर और स्क्वायर हट गया, तो बच्चा कित, अरे इंटीग्रेशन हमारा कहाँ, अरे इंटीग्रेशन कहीं पर भी नहीं है, सीधा सीधा मैंने बना रहा हूँ इधर, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। तो ये हो गया इंट, अरे कहाँ गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन, कितना बचा बच्चों, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन सर बचा, हाँ वेरी गुड। तो साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस माइनस कॉस एक्स बाई टू बाई टू, तो बाई वन बाई टू, मतलब वो सीधा ऊपर चला जाएगा, तो माइनस टू कॉस एक्स बाई टू, हाँ सर होता है माइनस टू, नहीं ये माइनस क्यों होगा, ये प्लस होगा ना, कॉस है तो कॉस का प्लस ही रहेगा ना, तो टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी, हाँ सर हो गया, हो गया माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी सर कैसे हुआ ये गधो, ये ऐसे हुआ, साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, सब में मतलब ये चाहिए ना, तो ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो माइनस कॉस एक्स बाई टू बाय उसका कोफिशियंट होता है ना माइनस वन बाई, तो माइनस वन बाई टू सीधा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ना माइनस टू कॉस एक्स बाई टू, गधो, ठीक है समझ में आया, वेरी गुड, ओके आया तो समझ में, कॉस एक्स बाई टू तो कॉस साइन, सॉरी साइन एक्स बाई टू डी एक्स, साइन का कॉस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू बाय इसका डेरिवेटिव, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव, मतलब एक्स तो एक्स हो गया वन बाई टू बाहर आया ना, जैसे नॉर्मली टू एक्स होता था तो डिवाइड बाई टू करते थे, तो यहाँ पे वन बाई टू इंटू एक्स है, तो वन बाई टू डिवाइड करें, वन बाई टू ऊपर जाने से माइनस टू हो जाएगा ना। इतना अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, घर में बैठो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। साइन एक्स बाई टू का भी हो गया, कॉस एक्स बाई टू का हो गया, बस इंटीग्रेट करो और लिख लो, सो दैट विल बी द आंसर, माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर ऐसा कैसे आपको पता चल गया, पता मैं मुझे चला क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ, तो सर हमको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करो। वन का आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स का साइन टू एक्स के फॉर्मूला हमने कर दिया, टू इंटू एक्स बाई टू, तो टू एक्स यहाँ पे मैंने बोला था साइन टू थीटा का, टू साइन एक्स इंटू कॉस है, तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, फिर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट इज योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, रूट ओवर स्क्वायर हट गया, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस टू कॉस साइन एक्स बाई टू प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ओके 14 में आते हैं, ठीक है। 14 नंबर एग्जांपल क्या बोला है, देखो cos 2x by 1 plus cos 4x नीचे में है, वेरी गुड, क्या करेंगे इसमें,
मुझे तो दिख रहा है क्या करना है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करो दिख जाएगा आप लोगों को भी। वन बाई ऊपर में रखो इसको, वन प्लस कॉस फोर एक्स है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू इंटू टू एक्स, टू थीटा टू एक्स, या फिर वन प्लस कॉस टू एक्स, कुछ याद आ रहा है वन प्लस कॉस टू एक्स का कहीं ना कहीं यूज होगा, मैंने बोला था हर जगह में यूज होने वाला है, वन प्लस कॉस टू एक्स दैट इज टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स, बट एक्स के जगह में यहाँ पे कितना है फोर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस टू एक्स रहा, नीचे वाला कितना हो जाएगा बच्चों, अरे रूट ओवर कहाँ गया, फिर मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देता हूँ, ये रूट ओवर है, ये कितना हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स, मैंने बोला ना वन, सब कुछ बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, वन प्लस कॉस टू एक्स, सो दैट विल बिकम टू कॉस स्क्वायर, प्लस है ना तो टू कॉस स्क्वायर, माइनस होता तो साइन स्क्वायर आता, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स मतलब टू एक्स है यहाँ पे का कितना रूट ओवर का इंटीग्रेशन का डी एक्स, ठीक है। तो जब इसका रूट ओवर है हटा देंगे बच्चों, कितना आ रहा है देखो ना, ये आ रहा है कॉस टू एक्स ऊपर में, नीचे में आ रहा है रूट टू कॉस स्क्वायर टू एक्स का, तो रूट ओवर स्क्वायर उठ गया, तो ओनली बचा कितना कॉस टू एक्स डी एक्स, टू एक्स टू एक्स कैंसिल, सो वन बाई रूट टू, एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई टू रूट टू, अच्छा तुम्हारा कहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स बच रहा है बेटा, सॉरी सॉरी सर गलती हो गया, टू एक्स टू इधर डी एक्स बचाना गधो प्लस सी, सॉरी सर गलती हो गया सर, ओके नो प्रॉब्लम, हो गया कॉस टू एक्स कटा, वन वेरी टू बाहर निकला, एक्स बचा, मुझे लगा कि एक्स बचा है, बट एक्स वैसा नहीं बचा, डायरेक्टली डी एक्स बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है ना, तो वन वेरी टू एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 14 तक हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया, और सब क्वेश्चन यूनिक सा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने आप से यूनिक है, कोई भी सेम टाइप का मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टाइप का करने से तो हमको एक मतलब एक हैबिट हो जाएगी सर इसको ऐसा ही करना है, लेकिन मैं सब कुछ मिला के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ जाएगी कौन से क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे फॉर्मेट में करना है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा उसको आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर 11, 12, 13 एंड 14, एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर है आप लोगों का और अच्छे से आप लोग उसको कर पाओगे, देन अगर इतना तक क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ओके बच्चों। अभी आते हैं हम 15 एंड 16 एग्जांपल, एंड दीज टू एग्जांपल्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स फॉर योर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है और इस टाइप का एग्जांपल्स को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक के अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा ये, ठीक है, तो ध्यान से याद रखना, ऐसा जब आप लोगों का डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स ऐसा कुछ फॉर्मेट में आएगा, तो आप लोग क्या करना ना, ऐसा एक थीटा जिसमें कि साइन एक्स और कॉस एक्स सेम वैल्यू देता है, कौन सा देखो, ऐसा एक वैल्यू जो कि साइन एक्स और कॉस एक्स पे कॉमन रहता है, तो वन बाई रूट टू चेक करो, साइन जब हम पाई बाई फोर निकालते हैं तो वन बाई रूट टू होता है, कॉस पाई बाई फोर भी कितना होता है वन बाई रूट टू होता है, दैट इज साइन 45 वन बाई रूट टू एंड कॉस 45 इल्सो वन बाई रूट टू, तो जो सेम वैल्यू रहता है उसको मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक है, ठीक है, तो वन बाई रूट टू जो है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इसलिए ये आप लोग ट्रिक के हिसाब में अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये टाइप का क्वेश्चंस करने का निंजा टेक्निक आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक है, तो वन बाई रूट टू हमने क्यों मैं किया अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग, देखो वन बाई रूट टू जो सेम वैल्यू होगा, ठीक है, साइन कॉस है इसलिए ये वाला वैल्यू, अगर टेन कॉट में होता तो हम कौन सा वैल्यू लेते, वन वैल्यू लेते, ठीक है, बट टेन कॉट में नहीं देगा, ज़्यादातर साइन कॉस में देगा, क्योंकि साइन कॉस में देगा तभी जाके हम साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी वाला, तो ज़्यादातर ये साइन कॉस में ही देता है, ठीक है, तो हमेशा आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू आप लोगों का अप्रोप्रिएट वैल्यू हो रहा है उसको आप लोगों को पुट करना है, जैसे मैंने वन बाई रूट टू किया क्योंकि हमको वैसा करना था, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर ध्यान से देखोगे वन बाई रूट टू तो यहाँ पे रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ देखो आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा मैं क्यों कर रहा था, वन बाई रूट टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई फोर लिख सकता हूँ इंटू साइन एक्स, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके जगह मैं कितना लिख सकता हूँ साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स,
तो अभी अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट आ जा रहा है वो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मेट आ जा रहा है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, दैट इज वाई हमने इसको किया था, ठीक है। तो आपको चेस करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको दो स्टेप आगे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तभी से। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे करके करना है, ठीक है। क्यों करेंगे बोल के, बोलने से नहीं होगा, आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का ऐसे वे ही है ऐसे सॉल्व करने का। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, जस्ट हमने हमारा फॉर्म आइडेंटिटी लिखा था, तो दैट विल बी गिवन बाय साइन ए प्लस बी। तो साइन पाई बाय फोर प्लस बी कितना है, एक्स, तो साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो वन बाई रूट टू इंटू डी एक्स बाई साइन। तो ये जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे साइन को, ये कितना हो रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक पाई बाय फोर प्लस एक्स, वन बाई कॉस, वन बाई साइन, दैट विल बिकम कॉस, तो कॉसेक, सॉरी कॉसेक पाई बाई फोर प्लस एक्स, ठीक है। तो कॉसेक का कितना होता है, आप लोगों को याद होगा कॉसेक का फॉर्मूला, जिसको याद है बताओ जल्दी से। सो वन बाई रूट टू कॉसेक का हो गया लॉग टैन दैट वन पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड दैट विल बी द आंसर। आ गया आठ पंद्रह मिनट, हाँ हाँ ठीक है बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग व्हिच वी कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये बाई टू होगा तो ये मतलब पाई बाई एट हो जाएगा, ओके, पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू, सॉरी, ठीक है, बाई टू होता है, तो बाई टू कर लेंगे तो कितना हो रहा है, पाई बाई फोर बाई टू पाई बाई एट और एक्स बाई टू, मतलब एक्स बाई टू, तो टेन पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग व्हिच वी कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करके करना है, ठीक है। कैसा किया हमने, ये जो सेम वैल्यू हमने हमारा था, बस ये वाला फॉर्मूला को रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम सेम वैल्यू, दैट इज पाई बाय फोर, कौन सा वैल्यू, पाई बाय फोर, वन बाई टू, तो वन बाई टू को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर ये हो गया वन बाई टू की जगह कॉस पाई बाय फोर, ये वन बाई टू की जगह साइन पाई बाई फोर पुट कर दिए, ये वन बाई टू की जगह ये वन बाई टू का वैल्यू पुट कर दिया कॉस पाई बाई फोर, ये साइन पाई बाई फोर, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी, तो साइन वन बाई साइन ए प्लस बी कॉस ए, कॉस ए का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें एंड विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग व्हिच वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी आते हैं बच्चों कौन सा, एग्जांपल नंबर 16 में, जो कि और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। इसमें आप लोगों को कैसा टाइप का सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ, अभी देखो ध्यान से देखो, ऊपर में है कॉस एक्स, नीचे में है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, उसका होल क्यूब है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स बाई टू, कुछ आइडेंटिटी पुट करते हैं, ठीक है, टू इंटू वन बाई टू, और हमारा कॉस एक्स बाई टू जो है उसको रख देते हैं, कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब, ये जो है उसको रख देते हैं। बट ऊपर वाला को मैंने क्या किया, कॉस टू इंटू एक्स बाई टू, क्यों, एक आइडेंटिटी है आप लोगों को याद होगा कॉस टू एक्स, जो कि सबसे पहला वाला आइडेंटिटी होता है कॉस टू एक्स का, जो होता है कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो टू इंटू एक्स बाई टू जब कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वेरी गुड। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, 2x होता है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स बाई टू है तो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू हो गया, ठीक है। और नीचे वाला कितना हो गया, देखो cos x बाई टू होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने कर दिया जो था उसको लिख दो, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से देखो, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक बात याद आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख के मैं प्लस वाला टर्म को कट करूँ, अभी लिख के कट करूँगा उससे अच्छा है आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे में a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये ऐसा फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
तो वो ए प्लस वाला टर्म मैंने कट कर दिया, तो बचा कितना देखो, कॉस एक्स माइनस टू माइनस साइन एक्स माइनस टू, क्योंकि प्लस वाला टर्म कट गया है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे से एक प्लस टर्म कटा है, मतलब क्यूब जो था एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब जो था वहां से एक कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर हो गया डीएक्स, तो मैंने डायरेक्टली किया एक्स टेप ओमिट किया है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहां से प्लस वाला टर्म और नीचे से प्लस वाला टर्म एक कट गया, तो यहाँ पे बचा बस माइनस वाला टर्म कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो क्यूब था एक कैंसिल होकर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत सुंदर, इतना तक अगर बच्चों क्लियर हो, अभी मैं क्या करता हूँ ना, मुझे कुछ दिख रहा है, अगर मैं इसको टी ले रहा हूँ ना, मैं अगर इसको टी ले रहा हूँ तो ऊपर वाला मुझे कटने का जैसा दिख रहा है, ध्यान से चेक करो, अगर मैं ऊपर वाला टी ले रहा हूँ या नीचे वाला टी ले रहा हूँ तो ऊपर वाला हमारा क्या हो रहा है, डी टी हो जा रहा है, चेक कर लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, टी इक्वल टू नीचे वाला को कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को टी ले रहा हूँ, तो जब हम बच्चों डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो टू कॉमन चला जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, माइनस साइन का हो जाएगा माइनस साइन कॉस एक्स बाई टू, तो डी टी विल बी दैट वैल्यू इन टू डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, टू को डिवाइड कर देते हैं ना, एक साथ में टू को ही डिवाइड कर देते हैं, डी टी बाई टू कर लेते हैं, तो जितना बचेगा दो उतना इंटू डी एक्स हो जाएगा, सो डी टी बाई टू, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो ये हो गया साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल इंटू डी एक्स, ठीक है, हो गया ना, चेक कर लो, इसको मैंने टी ले लिया, इसको हमने टी ले लिया, ठीक है, और ये टोटल डी एक्स के साथ डी टी बन गया, ये बन गया आपका डी टी बाई टू बन गया, ठीक है, तो डी टी बाई टू बन गया, मतलब ये टी स्क्वायर बन गया, नीचे वाला टी स्क्वायर बन गया, क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो पूरा अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये टू टू डी टी था ना, तो टू मैंने पूरा बाहर कर दिया, टू डी डी टी बाई टू सॉरी वन बाई टू बाहर कर दिया, वन बाई टू बाहर कर दिए बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना, वन बाई टी स्क्वायर डी टी, नीचे वो वन बाई टी स्क्वायर, ये टोटल डी टी हो गया ना, ये टोटल हमारा कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू ये डी एक्स, ये टोटल हमारा बन गया डी टी बाई टू, तो वन बाई टू चला गया बाहर, ये हो गया वन बाई टी स्क्वायर डी टी, सो दैट इम्प्लाइज वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लेंगे तो टी माइनस टू हो गया, टी टू देयर माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू देयर माइनस टू, ओके, तो सीधा अगर लिखेंगे वन बाई टू, ये कितना हो रहा है बच्चों देखो, टी क्यूब का टी टू दी पावर माइनस वन बाय माइनस वन, टी टू दी पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी, मतलब एक ऐड करेंगे तो माइनस वन बाय माइनस वन, तो कितना हो रहा है माइनस अच्छा बच्चों यहाँ पे हमारा टू डी टी था ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया साहब, जब हम इसका डेरिवेटिव करते थे कॉस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कितना हुआ था, वन बाई, अच्छा यहाँ पे वन बाई टू था, सॉरी डेरिवेटिव कर रहे थे, मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बुक कर दिया था, ये डेरिवेटिव हुआ तो वन बाई टू हुआ था, तो वन बाई टू मतलब ये टू डी टी हो जाएगा, टू डी टी, गलती से मैंने यहाँ पे डी टी बाई टू, मैंने इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट के टू पुट कर दिया था, बट ये वन बाई टू आएगा ना, कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा, अच्छा डेरिवेटिव यहाँ पे एक माइनस भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया बच्चों, थोड़ा सा चेक करते हैं, कॉस का माइनस ना, कॉस का माइनस साइन का प्लस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, तो ये माइनस साइन का, अच्छा ये प्लस, हाँ देखो अच्छा कॉस माइनस है, हाँ ठीक है ठीक है, ये माइनस बस ही हम माइनस लगाते ना, माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, या फिर माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू डी एक्स, और टू डी टी हो गया, ये वन बाई टू जब जाके मल्टीप्लाई हो टू डी टी, थोड़ा 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 फ्लो में गलती हो गया था, तो वन बाई टू ये हो गया मतलब टू डी टी, क्योंकि टू डी टी बाहर आया था मतलब टू यहाँ पे हो गया, और ये और बाकी सही है आई थिंक, हाँ इसको ये टी टू या माइनस टू ये टू, तो अच्छा ये टू हो गया फिर, तो ये आपका हो गया टू, तो टू इंटू टी टू या माइनस टू का टी टू या माइनस वन बाई माइनस वन, तो ये कितना हो गया टी टू या माइनस वन नीचे जाने से कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस टू बाई टी प्लस सी, माइनस टू बाई टी प्लस सी, हाँ ठीक ओके वेरी गुड, तो अगर इसका वैल्यू को लिखेंगे तो माइनस टू ऊपर में रहा, टी का वैल्यू कितना पुट किया था हमने, टी 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 कहाँ गया, ये बोला कॉस एक्स बाई टू प्लस
साइन एक्स बाई टू प्लस, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गलती गलती में बच्चों फ्लो फ्लो में हो जाता है, थोड़ा सा उसको कर लेना। प्रीवियस लेक्चर नंबर टू में भी कहीं पे एक दो गलती हुआ था, उसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना। मैं करने के बाद चेक किया कि वहाँ पे कहीं पे प्लस और माइनस का गलती हो गया था, तो थोड़ा सा चेक कर लेना। फ्लो फ्लो में हो जाता है कभी कभी, प्लस माइनस इतना सारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं छोटा जगह में भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। कॉस ये देखो यहाँ पे मैं और एक बार रेक्टिफाई कर देता हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को डेरिवेटिव कर रहे थे, तो मैं इतना इंटीग्रेशन कर रहे तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया था। बट डेरिवेटिव जब करेंगे कॉस एक्स बाई टू का कितना होगा, कॉस का माइनस, तो माइनस एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, तो वन बाई टू मैंने कॉमन लिया था, मैंने गलती से टू कर लिया था, तो वन बाई टू चला गया दोनों में, तो कॉस एक्स बाई टू का माइनस साइन एक्स बाई टू, साइन का तो प्लस रहता है प्लस, तो प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू जो कि मेरा है, तो ये जो 1 बाई टू इधर जाने से 2 dt होगा, ठीक है। तो इसके जगह मैं 2 dt पुट करें तो 2 बाहर चला गया, ये हो गया dt और 1 बाई ये हो गया t square। तो 1 बाई टू टी स्क्वायर को मैंने लिखा t टू दर माइनस टू dt का इंटीग्रेशन, t टू दर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो गया t टू दर माइनस वन बाई माइनस वन इंटू टू, तो ये माइनस टू पर में रहा, t टू दर माइनस वन नीचे चला, तो माइनस टू बाई टी प्लस सी, तो माइनस टू बाई टी का वैल्यू जितना था कितना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 16 ऑल्सो, वेरी नाइसली वी हैव डन इट ऑल्सो, एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कवर हुआ, आई होप कि सबका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और एंड दिस टू क्वेश्चन सर यूनिक इट्सेल्फ एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आप लोगों का, देन जितना तक क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप लोगों के कॉपी में, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों ये लास्ट एग्जांपल चैप्टर में आते हैं और दीज फोर क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, ठीक है 7.3। देखो अब इतना तक करने के बाद आई होप कि 16 एग्जांपल्स हमने जो किया डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, उतना करने के बाद ये वाला तो मुझे नहीं करना है, मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉस टू एक्स फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग अगर पता नहीं है, आप लोग अभी तक पता नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग क्लास को अटेंटिवली नहीं कर रहे हो, आप लोग सोच लेना, ठीक है। मतलब इतना बार हमने ये फॉर्मूला को अप्लाई किया है कि बहुत जल्दी से याद रहना चाहिए। तो कॉस टू एक्स का कॉस टू एक्स है साइन, क्यों मैंने 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे था, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर में बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सीधा हो गया ये कितना सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी देखो इतना सारा करने के बाद ना इंटीग्रेशन हमारा किसका एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल लगे आप लोगों को करने में, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, खत्म पहला वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको साइन इनवर्स कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि मुझे साइन साइन में करने से क्या होता है ना, ये कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, उसका इंटीग्रेशन डी एक्स। सो पाई बाई टू पहले पाई बाई टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना बचो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। सो पाई बाई टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो दिस आर द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया इसको भी, इसमें आते इस टाइप का उस एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 16 में किया था, आप लोगों को याद होगा कॉस टू एक्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है, इस टाइप का किया था ना, वहाँ पे क्यूब वाला था, हमने थोड़ा क्रिटिकल वाला किया था, तो वो वाला कर लोगे तो ये वाला आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला टर्म ए प्लस बी वाला टर्म कट गया, ऊपर में बचा फिर ओनली माइनस वाला टर्म दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन ए, यहाँ पे ए प्लस वाला एक टर्म कट गया, दो ठो था एक ठो कट गया, तो एक ही बचा दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। याद आ रहा है वहाँ पे हमने नीचे वाला को टी लिया था, यहाँ पे भी नीचे वाला को टी लेने से हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, चेक कर लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जब हम उसको ले रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है, तो आ गया ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू कितना हो गया कॉस एक्स को सामने ले आओ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, आ रहा है कि नहीं, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स ये टोटल हो गया डी टी, और ये cos x plus sin x ये हो गया पूरा t, तो हो गया ना dt by t के फॉर्मेट में, सो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला dt by t, तो ये हो गया कितना log t plus c, सो दैट विल बिकम log t, जितना हमने लिया था कितना लिया था sin x
plus cos x, sin x plus cos x plus c will be the correct answer. ठीक है, देखो इतना क्विकली हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इतना सारा कर लिया है अभी तक. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20, ये डायरेक्टली मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ. साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद होगा आपको, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, जो हमने डायरेक्टली लिखा था साइन 3x बाई 4 dx, ये होता था साइन क्यूब एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला. अगर आप डिराइव करके याद रखोगे तो 3 साइन एक्स बाई 4 माइनस साइन क्यूब, तो इसको अगर कर देंगे तो 3 बाई 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 माइनस 3 बाई 4 कॉस एक्स माइनस 1 बाई 4 आ रहा है, तो 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 3, तो डायरेक्टली मैं 1 बाई 12 कर दे रहा हूँ, फिर 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 4, सो दैट ये 1 बाई 4 तो है ऑलरेडी और यहाँ से 3 निकलेगा, तो 1 बाई 12 साइन 3 एक्स का कितना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था, ये माइनस था, प्लस प्लस सी. देखो एक स्टेप में हमने कर लिया उसको, तो माइनस 3 बाई 4 कॉस एक्स प्लस 1 बाई 12 कॉस 3 एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 20 ऑल्सो. सो वी हैव डन 20 डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर कॉन्सेप्ट, एंड सब कुछ यूनिक वाला कॉन्सेप्ट था. तो इतना तक अगर कवर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा बच्चों नोट डाउन कर दो. सो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास. ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा, अगर आप पहले से लेकर एंड तक आप लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो. ठीक है, सब क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन था, 20 एग्जाम्पल्स हमने किया बहुत ही अच्छे से. कुछ कुछ एनसीईआरटी का था, 5 या 6 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का था, बाकी मैंने मिला के किया है. हर एक क्वेश्चन का अलग अलग यूनिक सोल्यूशन है, तो अगर वो 22 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर दे रहे हो तो वो रिलेटेड 20 क्वेश्चन को लेकर और 60 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो. अगर आप लोगों को हर क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शन में हमको ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला फंक्शन में हमको ये वाला, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला के लिए, तो मैंने बोला था लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर आप लोगों को करना है तो 1 आवर इन्वेस्ट करो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्टैंडर्ड 11 का, जिसमें कि मैंने टोटल 50-60 आइडेंटिटीज कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे सब ट्रिक और टिप्स मैंने बता दिया है. तो अभी तक अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो वो वाला को देख के पीडीएफ में मैंने दे दिया, आप लोग जाके उसको क्लियर करो फिर यहाँ पे देखो. टाइम है बहुत, अच्छे से आप लोग इन्वेस्ट करो टाइम को ताकि बेनिफिट आप लोग को बोर्ड्स के एग्जाम में मिल सके. ठीक है बच्चों, तो ये था आज का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला क्लास, जिसमें कि हमने हर एक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने करवा दिया. ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है उसमें हम डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उतना तक अभी नेक्स्ट क्लास परसों आएगा, तो उससे पहले आप लोग मैं चाहता हूँ कि 1, 2, 3 अगर 1, 2 नहीं दिखे हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको देखो, 3 को करो अच्छे से उसको कवर करके 1, 2, 3 वाला 7.1, 7.2, 7.3 एनसीईआरटी का भी कवर कर दो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा और उस बेस को लेकर आप लोग आगे का इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर सकते हो. जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल इज इंपॉर्टेंट, वैसे इंटीग्रेशन में आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड इज इंपॉर्टेंट. लेक्चर नंबर 2 में ओनली सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही हमने पढ़ रहे हैं. फिर हम जाएंगे और जो मेथड होगा उसके बारे में सीखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा. तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड. जय जय.